चुनावी वादों को जमीन पर उतारने में जुटे मंत्रालय, आज सीएम योगी सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 7 विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। यूपी एमपी समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, आज हो सकती है सुनवाई। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात के दौरे पर, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, गुजरात को 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली हिंसा मामले में 21 आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, हिरासत में लिए गए 2 नाबालिग, यूपी में अलर्ट जारी। जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो आया सामने, तस्वीरों में गोली चलाते दिख रहा है शख्स, मामले में अब तक 20 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। दंगे के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर की फायरिंग, वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। भगवा झंडा लेकर देखे लोगों पर भड़का दंगाई, पिस्टल लेकर आगे बढ़ा, बेखौफ होकर पिस्टल से फायर झोंकता नजर आया। फायरिंग करने वाले शख्स के आसपास पत्थरबाजी करते नजर आए उपद्रवी, भीड़ की आड़ में दंगाई ने की दनादन फायरिंग। दिल्ली दंगे के सामने आ रहे हैं कई वीडियो, जहांगीरपुरी ने सड़क पर देखी भारी भीड़, दंगाइयों ने जमकर की पत्थरबाजी। वीडियो में सड़क पर नजर आए दंगाई, शोभा यात्रा के दौरान किया पथराव, घर की छतों से लोगों की भीड़ के तांडों का बनाया गया वीडियो। दंगों के दौरान जमकर लहराई गई तलवार, दंगे के बीच लोगों के हाथों में दिखी तलवार, कैमरे में कैद हुई एक एक दंगाई की तस्वीर। हाथों में डंडे और तलवार लेकर आगे बढ़ रही थी दंगाइयों की भीड़, दंगाइयों को रोकने पहुंची पुलिस पर भी हमला। जहांगीरपुरी में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी शोभा यात्रा, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद बिगड़े हालात। शोभा यात्रा के दौरान दंगे का एक और वीडियो आया सामने, छत से पत्थर फेंकते दिखे दंगाई, राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर राज्य मंत्री कपिल देव ने दिया बड़ा बयान, बोले केजरीवाल को मामले पर ध्यान देना चाहिए, गांधीनगर में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ करने पहुंचे थे राज्य मंत्री। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट, गाजियाबाद और नोएडा में पुख्ता की गई सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। गाजियाबाद में हनुमान जयंती पर कई जगह निकाली गई शोभा यात्रा, अलर्ट पर प्रशासन। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग, स्वामी आनंद स्वरूप ने सरकार से की मांग। बदायूं में हनुमान जन्मोत्सव जुलूस में शामिल हुए एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा भी रहे मौजूद, बिसौली कस्बे में हुआ था आयोजन। कानपुर में बीएसपी के कार्यक्रम में साध्वी रितंभरा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जातियों से निकलना होगा, 2 बच्चों की जगह 4 बच्चे पैदा करिए। भैया जी जोशी बोले अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, रामविलास वेदांती ने भी जन्मभूमि आंदोलन की बात की। बागपत में अपने पैतृक गांव खैला पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, लोगों ने किया फूलमालाओं से स्वागत, मंत्री ने कहा कि अपराधियों को बुलडोजर से लगता है डर। अखिलेश ने आजम की नाराजगी के बीच ओवैसी का न्योता, एआईएमआईएम ज्वाइन करने के लिए आजम को जेल में भेजी गई चिट्ठी, अखिलेश पर आजम को नजरअंदाज करने का आरोप। नोएडा में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने 108 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, बोले जैसे कश्मीर पूरे भारत का मुकुट, उसी तरह नोएडा पूरे यूपी का मुकुट है। कानपुर में बच्चा बच्चा राम के नाम के खास कार्यक्रम का हुआ आयोजन, राम के भेष में पहुंचे हजारों बच्चे, राम के दिए संदेश। कार्यक्रम में भगवा में दिखा कानपुर शहर, हजारों की दिखी भीड़, बच्चों में दिखा खासा उत्साह। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली शोभा यात्रा, तलवारबाजी करते दिखाई दिए तमाम कार्यकर्ता। सीतापुर में प्रशासन ने मुनादी करके 4 अपराधियों की संपत्ति जब्त की, 47 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई, कमलापुर और बिस्वा इलाके में हुई कार्रवाई। नोएडा में बढ़ते कोरोना के बीच प्रशासन अलर्ट, स्कूलों को हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश, शहर में स्कूली बच्चों समेत 280 एक्टिव मरीज। चंपावत से सीएम धामी, चुनाव लड़ने की अटकलें तेज, बीजेपी कार्यालय में मंडल अध्यक्ष और नेताओं ने भेजा प्रस्ताव। हरिद्वार में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने किया पथराव, तनाव की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी, उपद्रवियों की हो रही है पहचान। हरिद्वार नगर निगम कार्यालय में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, निगम के महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए गायब। रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय के गुलाब राय मैदान में 14 दिवसीय ट्रेड फेयर मेले का शुभारंभ, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया शुभारंभ।
पीरे के अखोड़ी गांव में 7 साल की मासूम को गुलदार ने बनाया शिकार, इलाके में बढ़ी गुलदार की दहशत। नैनीताल के बोट हाउस क्लब के सुंदर बार के रंग रोदन का काम शुरू, बार में ब्रिटिश कालीन भरे जाएंगे रंग, क्लब में कई सुपरहिट फिल्मों की हो चुकी है शूटिंग। जौनपुर के सराय ख्वाजा पुलिस और राजस्व टीम ने पुलिस चौकी के लिए आवंटित जमीन पर किए गए अतिक्रमण को कराया कब्जा मुक्त, दबंगों ने किया था कब्जा। राजधानी लखनऊ में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी, 41 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा पारा, आने वाले 2 से 3 दिनों में 45 डिग्री पहुंचने की उम्मीद। वाराणसी में भी गर्मी का पारा हाई, 43 डिग्री पहुंचा तापमान, ठंडे पानी के लिए बर्फ की बढ़ी मांग, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अगले कुछ दिन नहीं मिलने वाली है गर्मी से राहत। गाजियाबाद में भी गर्मी का थर्ड टॉर्चर, 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, डॉक्टरों ने गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी। कानपुर में भी गर्मी का कहर जारी, 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, सड़कों पर छाने लगा सन्नाटा। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, सुसाइड नोट के आधार पर हुई गिरफ्तारी। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, 2 से नहीं की थी युवक की हत्या, शराब पार्टी के दौरान हुआ था विवाद। एटा में पुलिस की अभद्रता का वीडियो आया सामने, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, युवती को हाथ पकड़कर घसीटते नजर आई पुलिस, कोतवाली इलाके का मामला। बदायूं के युवक की अमरोहा में गला रेतकर हत्या, अमरोहा के दड़ियाल के जंगल में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम। बहराइच में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या की, मृतका के परिजनों ने पति पर अवैध संबंध के लगाए आरोप, पति ने भी पत्नी पर लगाए बदजलन होने के आरोप। गोरखपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सब्जियों में अवैध गांजे के पैकेट छुपाकर ले जा रहे थे तस्कर, गांजे की बड़ी खेप हुई बरामद। लखनऊ में बाइकर्स ने जमकर मचाया तांडव, खुलेआम बरसाई गोलियां, 6 से 7 राउंड की फायरिंग, गुडम्बा थाना इलाके का मामला। लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में हुआ बवाल, बाउंसर ने अपने ही बार के मैनेजर को बेरहमी से पीटा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। बरेली में एसपी नेता की मंदिर में गुंडई, दर्शन करने आए युवकों को पीटा एसपी, कार्यकर्ताओं ने मंदिर में मचाया तांडव, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। शामली में डीजे पर डांस करने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, सदर कोतवाली इलाके का मामला। हरिद्वार के ऋषिकुल इलाके में पार्किंग को लेकर हुई मारपीट, घर के बाहर यात्री द्वारा पार्किंग करने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने दी दबिश, 55 लीटर कच्ची शराब हुई बरामद, 2600 किलोग्राम लहन को किया गया नष्ट। बदायूं में कपड़ा व्यापारी के साथ में हुई 7.5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। मेरठ पुलिस ने ऑटो गैंग का किया पर्दाफाश, वाहन चुराकर देहात में बेचते थे गिरोह के सदस्य, 6 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 11 बाइक भी बरामद। लखीमपुर खीरी में सदर विधायक की गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत, कोतवाली सदर के राजापुर चौकी के पास हुई घटना। अमेठी में बुलेरो और ट्रक की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर, बुलेरो में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चारों घायलों को गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर, मौके पर आला अधिकारी सहित स्थानीय पुलिस पहुंची, गौरीगंज थाना क्षेत्र के सगरा बाबूगंज के पास हुई घटना। सहारनपुर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, आग से भारी नुकसान की आशंका, आसमान पर दिखा धुएं का गुबार, मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर स्थित है स्पेयर पार्ट्स की दुकान। लखीमपुर खीरी गैस रिफिलिंग के समय लगी आग, धू धू कर जल गई ओमनी वैन, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के कुंडली में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग, चारों ओर मची अफरा तफरी। बिजनौर में गेहूं के फसल में लगी आग, कई बीघे की फसल जलकर खाक, नगीना देहात इलाके का मामला। अल्मोड़ा के कसार देवी के जंगल की आग से इंपीरियल हाइट्स रिजॉर्ट में लगी आग, लाखों का नुकसान, वन विभाग के साथ मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग, 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, लोहता थाना इलाके का मामला। पटना में आग का तांडव, प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पटना के मंगला तालाब इलाके की घटना।
मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस भीषण अग्निकांड में लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई जा रही है वजह। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। इलाके में धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात लगी भीषण आग। यशवंत प्लाजा में आग लगने से मचा कोहराम। इस भीषण अग्निकांड में आई क्लिनिक सेंटर जलकर हुआ राख। आग की विकराल लपटों को देखकर लोगों में मची चीख पुकार। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। सोनीपत के कुंडली में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से भारी नुकसान की आशंका। विश्व धरोहर दिवस पर आगरा में ताजमहल सहित अन्य स्मारकों में आज एंट्री रहेगी फ्री। हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। दिल्ली में आज ऑटो और टैक्सी का चक्का जाम। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमत के खिलाफ यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग। राजकोट में हुआ पूर्व सीएम विजय रूपाणी की बेटी की शादी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। मेघालय में सड़क हादसे में तमिलनाडु के टेबल टेनिस खिलाड़ी की दर्दनाक मौत। 3 खिलाड़ी हुए घायल। टैक्सी से गुवाहाटी हवाई अड्डे से शिलांग जा रहे थे सभी। पश्चिम बंगाल की कूचबिहार में चक्रवाती तूफान का कहर। तूफान से 2 लोगों की हुई मौत। 50 से ज्यादा लोग जख्मी। फसलों को भी भारी नुकसान। 54वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग जारी। रूस ने हमला किया तेज। यूक्रेन भी लगातार दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। खार्की में रूसी हमले की ताजा तस्वीरें आई सामने। रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों में की बमबारी। गोलाबारी में 5 की मौत। बमबारी से दहला खार्की। घायलों की मदद के लिए पहुंची टीम पर रूस का अटैक। यूक्रेनी सैनिकों ने भागकर बचाई जान। खार्की से रूसी हमले की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों में बरसाए गोले। जोरदार धमाकों से दहला शहर। कई लोग सड़कों पर चल रहे थे तभी आसमान से बमों की बारिश होने लगी। एक यूक्रेनी महिला की बाल बाल बची जान। रूसी हमले का यूक्रेन दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। लुहांस्क में एयर स्ट्राइक का रूसी टैंक को किया तबाह। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से रूसी सैनिकों पर ढागे रॉकेट। ये तस्वीरें कीव के बाहरी इलाकों की बताई जा रही हैं। रूसी फौज पर यूक्रेन के काउंटर अटैक की एक और तस्वीर आई सामने। यूक्रेन के ड्रोन के जरिए T-62 BB टैंक को किया तबाह। ड्रोन अटैक से रूसी टैंक के उड़े पर खच्चे। धू धू कर जलने लगा टैंक। यूक्रेनी फौज के लिए ड्रोन कारगर साबित।